वेलकम बैक माई न्यू व्लॉग। और आज हम लोग आए हैं, आप सबको दिखाएंगे जो हमारे गांव के विधायक जी हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत ही अच्छी सी जगह बनवाई है बैठने के लिए। और यहां पे हम लोग के लिए बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, तो आप सबको दिखाते हैं। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, बट कंप्लीट होने वाला है। तब तक कुर्सी और सियाँ रख उठी हैं, तब तक हम लोग बैठते हैं, चलो वहाँ इंजॉय करते हैं। तो गाइज ये रहा अंदर जाने वाला रास्ता, और वो देखो तिरंगे के कलर का गेट पेंट हुआ है। और 15 अगस्त के दिन यहाँ पे झंडा फहराया गया था। जहाँ झंडा फहराया गया था वो भी दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा सा बनाया गया है उसे। और ये देखिए सब ईंट पड़ी हुई है, अभी मैन्युफैक्चर हो रहा है सब कुछ, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। गाइस ये रहा हमारे लिए जो बैठने के लिए बना है, और ये है जहाँ पे झंडा फहराया गया है 15 अगस्त के दिन। और ये तारों से घेरा गया है जितना भी है इसकी ज़मीन बैठने वाली, वो गेट बना है। ये है झरना, जो झरना बनाया गया है यहाँ से सीधे तालाब में। अभी तालाब भरा नहीं गया है, इसको भरना है। भर जाएगा तब बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और यहाँ पे बहुत ही ठंडा रहेगा। मनरेगा अमृत सरोवर, ग्राम पंचायत इंदईपुर, विकास चंडा राम नगर, जनपद अम्बेडकर नगर। ये हुआ है मैन्युफैक्चर। और ये लगी है यहाँ पे एक लाइट और एक लाइन से तिरंगे कलर का बनाया गया है। बैठने के लिए कुर्सी जहाँ पे शादाब खान बैठे हुए हैं, और यहाँ पे हम भी बैठेंगे। ये पानी आने की जगह है, यहाँ से झरने की तरह। पानी बिल्कुल साफ है, एक नंबर पानी निकल रहा है यहाँ से। वहाँ एक कुर्सी रखी हुई है, ऐसे लाइन लाइन से सभी जगह कुर्सियाँ रखी हुई हैं जहाँ पे हम लोग बैठ के इंजॉय करते हैं। शाम को बैठते हैं क्योंकि दिन में यहाँ पे तो धूप रहती है, इसलिए हम लोग रात में बैठते हैं। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। साफ करा फिर गाड़ी में।